तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। दोस्तों आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो एक्स के सामने, तो चलिए इसका फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स मारुति ने हमको अपनी गाड़ी में प्रोवाइड किया है। यहां पे आप देख सकते हैं की को जो कि है सेंट्रल लॉकिंग की, लॉक एंड अनलॉक फंक्शन के साथ। गाड़ी के दोस्तों फ्रंट लुक के बात करें तो बहुत ही बोल्ड फ्रंट लुक दिया गया है। यहाँ पे आप हेडलैम्प देख सकते हैं, नीचे भी आपको प्रोविजन दिया गया है फॉग लैम्प लगवाने के लिए। और गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो ब्लैक शेड में आपको इसका फ्रंट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही स्ट्राइकिंग और बहुत ही बोल्ड ग्राफिक्स के साथ इसका जो डिज़ाइन है उसको बनाया गया है। यही दोस्तों डिफरेंस है सिलेरियो और सिलेरियो एक्स के अंदर। एक्स आपको थोड़ी सी स्ट्राइकिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी बोल्ड देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आपको डायमेंशन आपके स्क्रीन पर मैंशन हो रहे होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो गाड़ी है ये चीपेस्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन है आप जो इंडिया में बाइक कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं जो कि है क्विड, टियागो या वैगनार। तो चलिए करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बाद। सबसे पहले हम इसके व्हील्स की तरफ देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं i14 के व्हील्स जो कि हैं व्हील कवर के साथ। उसके ऊपर भी आपको ब्लैक कलर का जो साइड बीडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। ब्लैक कलर के OIVMs देखने को मिल जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप ब्लैक शेड में रूफ रेल देख सकते हैं, ब्लैक ही शेड में आपको देखने को मिल जाएंगे डोर हैंडल, साथ में पूरा जो आप एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कलर और ब्लैक का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, साथ में 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी के देखने को मिल जाएगी। टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.7 मीटर का इस गाड़ी का जो है टर्निंग रेडियस है। बीच में ब्लैक पिलर आप देख सकते हैं, जो इसका बी पिलर है उस पर ब्लैक के शेड दिया गया है। और चलिए अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में और देखते हैं कैसा है गाड़ी का बैक साइड। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गाड़ी के बैक साइड में और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ इसका बैक साइड। मारुति सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कन्वेंशनल टेल लाइट्स गाड़ी की, बीच में सुजुकी का लोगो और राइट हैंड साइड में सिलेरियो एक्स की बैजिंग, नीचे मॉडल की बैजिंग और उसके नीचे ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट की बैजिंग। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये ZXi ऑटो वेरियंट है। नीचे भी आप दोनों तरफ देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स को और यहाँ भी आप इसका जो बैक प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में बनाया गया है, जैसा कि आगे बनाया गया है। रियर डिफॉगर के साथ आपको रियर वाइपर देखने को मिल जाएगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं स्पॉयलर जो कि ब्लैक फिनिश में है, यहाँ से आप इसका स्पॉयलर देख सकते हैं। बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है दोस्तों ये गाड़ी को। चलिए गाड़ी का करते हैं बूट ओपन और देखते हैं कितना बूट स्पेस हमको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा और कितना सामान हम इस हैचबैक में रख के ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया बूट ओपन और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 235 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो बैग आप आराम से रख सकते हैं। इसको लिफ्ट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक स्पेयर टायर जो कि है टूल किट के साथ। ऊपर भी दोस्तों आप थोड़ा सामान रख सकते हैं, ये जो आपको एक पार्टीशन दिया गया है। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे आपने देख लिया गाड़ी के बैक प्रोफाइल का लुक जो कि उतना ही स्पोर्टी है जितना कि गाड़ी है आगे से। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बात। इस गाड़ी के नाम आपको देखने को मिल जाएगा 3 सिलेंडर K10B पेट्रोल BS6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 67 BHP ऑफ पावर एंड 90 Nm ऑफ टॉर्क। गाड़ी के एवरेज की बात करें तो 21.63 का गाड़ी का एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आपको गाड़ी अवेलेबल है। दोस्तों एवरेज इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑटोमेटिक के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं पैसेंजर साइड डोर करते हैं अनलॉक और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर्स को। गाड़ी के पावर विंडो के चारों तरफ आपको एक कार्बन फाइबर की मिमिक देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर का स्पेस और यहाँ पर डोर अनलॉक के लिए क्रोम में दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी को 60-40 स्पीड सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कितना प्रैक्टिकल स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको लेग रूम दिखाऊँ तो ठीक ठाक दोस्तों लेग रूम है। मेरी हाइट 6 फीट है तो उस हिसाब से हाइट गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैक सीट्स को दो जने मेरी हाइट के बैठ सकते हैं। बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं बम्प को, यहाँ पे जो सीट की कुशनिंग है वो भी ठीक ठाक है दोस्तों। और इसकी जो आप सीट कवर्स देख रहे हैं वो थोड़े ऑरेंजिश हैं तो आपको एक स्पोर्टी फील देखने को मिल जाएगा। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, अभी मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है कि अगर मैं इस गाड़ी को चला होता तो इतना स्पेस मिलता। यहाँ से आप साइड से देख सकते हैं इस गाड़ी को फुल इंटीरियर लुक। ऊपर से आप देख सकते हैं जो छत है इसकी वो थोड़े बेज कलर में है तो एक अच्छा ब्लैक और बेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से भी आप गाड़ी को फुल देख सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट लुक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों गाड़ी का डैशबोर्ड। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं मारुति ने हमको सिलेरियो एक्स में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए। यहाँ से हम करते हैं डोर को अनलॉक और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक की फिनिश जो कि ड्राइवर साइड डोर पर है।
थोड़ा सा रिच फील देती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर की मिमिक जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स और साथ में लॉक एंड अनलॉक का फीचर भी है। नीचे बॉटल होल्डर का स्पेस नहीं है, एक बुक रख सकते हैं आप इस जगह के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की स्किड प्लेट को, चारों ही डोर्स पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसकी सीट को, यहाँ से आप कर सकते हैं सीट को बैक रेस्ट को एडजस्ट। और चलिए बैठते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे और देखते हैं क्या क्या फीचर्स और क्या क्या कंट्रोल्स हमको ड्राइवर सीट पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मारुति सुजुकी एक्स के अंदर और अब हम करते हैं गाड़ी के इग्निशन को ऑन। और यहाँ से कर दिया मैंने दोस्तों इग्निशन ऑन। और दोस्तों मैं जो वेरिएंट रिव्यू कर रहा हूँ वो है ZXI ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसके ऊपर एक मॉडल और आता है, वो है ZXI ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर एक एयरबैग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे सारे ही मॉडल्स जो इस गाड़ी में आते हैं। गाड़ी के स्टेयरिंग की बात करें तो टिल्ट स्टेयरिंग आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं टिल्ट स्टेयरिंग को। ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल सब इस साइड पर देख सकते हैं, साथ में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल सारे ही आपको स्टेयरिंग व्हील पर देखने को मिल जाएंगे। म्यूट का बटन भी है, मोड का बटन भी है, साथ में सेंटर में सुजुकी का लोगो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो सेंटर में स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड में एक डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आईपीएम मीटर है। अगर आप गाड़ी के एक्सट्रीम राइट में देखें तो आपको एक एसी वेंट देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आप थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं और उसके नीचे हेडलाइट हाइट एडजस्टर देखने को मिल जाएगा। इस साइड आते हैं गाड़ी के तो आपको देखने को मिल जाएगा एक इंटीग्रेटेड ऑडियो जो कि है 4 स्पीकर सिस्टम के साथ, ऊपर एसी वेंट और बीच में आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट्स। और दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड ऑडियो है इसके अंदर सिर्फ FM ब्लूटूथ और CD का सपोर्ट है, तो एक मल्टीमीडिया नहीं है। इसको आप बाहर से चेंज करके मल्टीमीडिया वाला भी लगवा सकते हैं। और साथ में इसके नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा एक मैनुअल AC जो कि आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक दोस्तों नहीं है ये। ये बटन है डिफॉगर का और राइट हैंड साइड पे आपको AC ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो रोटरी डायल्स हैं इसमें आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और ब्लोअर को भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एक USB और AUX का पोर्ट। राइट हैंड साइड पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत स्पेस है, एक फ़ोन रख सकते हैं आप दोस्तों इस स्पेस के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के चारों तरफ कार्बन फाइबर की मिमिक। तो ये है दोस्तों इसका ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। रिवर्स में डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको डिस्प्ले जो कि है डिस्टेंस का वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप डाल सकते हैं न्यूट्रल में और यहाँ से आप ड्राइव पे। तो ये है दोस्तों एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। थोड़ा सा दोस्तों ये जर्की होता है पर इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छा और एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर का स्पेस और उसके पीछे आपको देखने को मिल जाएगा एक हैंड ब्रेक। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको एक ग्लोव बॉक्स जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ऑटो डिमिंग वाला रियर व्यू मिरर नहीं है, नॉर्मल रियर व्यू मिरर आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। एक ही लाइट जो कि आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सन वाइजर है वो है वैनिटी मिरर के साथ। और इस तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी को ड्राइवर सीट जिसके अंदर सिलेरियो की बैजिंग है। सीट कवर्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव सीट कवर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि प्री इंस्टॉल्ड है। ये दोस्तों सिलेरियो एक्स मॉडल है तो इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ में इसका जो ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और दोस्तों बेसिक सारे ही फीचर्स आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये ऑल 4 पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, टिल्ट स्टीयरिंग, साथ में इंटीग्रेटेड ऑडियो, 60-40 स्प्लिट सीट्स। तो ये सारे फीचर्स आप इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। तो प्राइस वाइज एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो। और यहाँ से भी मैं आपको इस गाड़ी का स्पेस दिखा देता हूँ पीछे से आके, कितना सारा स्पेस है। 4 लोग दोस्तों आराम से बैठ के इस गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। 5 लोग भी अगर आ जाएंगे, अगर एक नॉर्मल 5'6" से लेकर 5'7" या 8" तक की उसकी हाइट है। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो 3-स्टार यूजर अनकैप रेटिंग देखने को मिल जाएगी। ड्यूअल एयरबैग ऑप्शन वेरिएंट के अंदर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशन एंड फोर्स लिमिटर, साथ में रियर में आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों गाड़ी में आते हैं 5 कलर। और इसकी बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में तो 4.9 लाख रुपीज़ से लेकर ये गाड़ी जाती है 5.6 लाख रुपीज़ तक। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन बताइए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए और बने रहिए रैपिड चेक फैमिली के साथ।